पिछले 2-3 बार से, यानी पिछले 2-3 सीजन से हम एक चीज बहुत ही एविडेंटली ऑब्जर्व कर रहे हैं बिग बॉस को लेकर, और वो है अंत आते तक सीजन हमेशा एक्सटेंड होता है। हालांकि लास्ट सीजन यानी कि तेजरन वाला जो सीजन था उसको बहुत ज्यादा एक्सटेंड नहीं किया गया, थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया। वरना भाई बिग बॉस 13 तो मार्च तक खिंच गया था क्योंकि उसकी पॉपुलैरिटी उतनी थी। लेकिन अब चलिए मैं आपको एक बड़ी अपडेट देने आ गई हूँ। जी हाँ, वेल हेलो गाइज एंड वेलकम टू फीफा फूज। मैं हूँ ज्योति नाहक। हम सभी जानते हैं कि ये सीजन पिछले 2 सीजन के बाद अब अच्छी टीआरपी गार्नर कर रहा है। जहां पिछले सीजन की बात है तो 0.8 0.9 तक की टीआरपी जाती थी, लेकिन इस सीजन ने 1.5 1.6 1.7 1.8 तक की टीआरपी वीकेंड्स पर इस सीजन को मिल रही है, जो कि एक अच्छी खासी टीआरपी है। क्यों? क्योंकि सीजन 13 जो अब तक का हाइएस्ट सीजन माना जाता है, हाइएस्ट टीआरपी देने वाला सीजन माना जाता है, इस सीजन को यानी कि सीजन 13 को टीआरपी आती थी 1.5 की 1.6 की, और अगर ये सीजन यानी कि सीजन 16 अगर 1.6 को पार कर रहा है तो आप इस बात से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सीजन भी इक्वली अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अब मेकर्स ने एक बड़ा फैसला ले लिया है और इसका हिंट मिल चुका है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि कल जो वीकेंड का वार था उस दौरान सलमान खान ने बहुत सारी बातें सुंबुल को सुनाई। सुंबुल को डांट बहुत ज्यादा पड़ी, अंकित को डांट बहुत ज्यादा पड़ी, सिर्फ और सिर्फ घर में अब्दू थे जिनकी जबरदस्त तारीफें हुई, थोड़ा बहुत निमृत को भी, क्योंकि जिस तरीके से निमृत का सपोर्ट सलमान ने किया और प्रियंका को थोड़ी बहुत वाट लगाई कि आप सेम रिएक्शन आपने निमृत पर दिया लेकिन आपने सौंदर्य पर नहीं दिया वगैरह वगैरह। लेकिन उस दौरान एक बड़े छोटे से चंक में सलमान ने एक बात कही कि 4 महीने तक आपको घर में रहना है, आप ऐसे रहेंगे घर के अंदर। सुंबुल को उन्होंने कहा कि 4 महीने तुम अगर शो पे रहती हो तो तुम इस तरीके का अपना बिहेवियर दिखाओगी जनता को, तुम्हारा बिहेवियर ऐसा रहेगा, तुमसे लोग इस तरह इंस्पायर होंगे। इस चीज में जो सबसे बड़ी ऑब्जर्विंग बात थी वो थी 4 महीने। सलमान ने एक बार नहीं बल्कि 2 से 3 बार ये बात कही। बिग बॉस होता है 3 महीने का, लेकिन कल सलमान ने वीकेंड के दौरान बार बार इस बात का जिक्र किया कि तुम 4 महीने तक अगर रही तो ऐसा करोगी। इस बात को सभी ने बहुत ही क्लियरली ऑब्जर्व किया और ये बात क्लियर हो चुकी है कि ये सीजन 1 महीने से एक्सटेंड होने जा रहा है। जी हाँ, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यूजुअली दिसंबर एंड में बिग बॉस खत्म हो जाता है, लेकिन अब ये सीजन 4 महीने तक एक्सटेंड होगा। यानी कि ये सीजन भी सीजन 15 की तरह जनवरी एंड में या फरवरी शुरू होते तक ये सीजन जो है वो चलने वाला है, और फैंस को अब बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि बिग बॉस एक ऐसा शो है जनता यूजुअली चाहती नहीं है शो खत्म हो। अब इस खबर पर आपकी क्या राय है और आपको क्या है कहना सीजन एक्सटेंड होने पर, बताइएगा जरूर।